हेलो दोस्तों, तो अपना सैमसंग गैलेक्सी S23 5G डिलीवर हो चुका है। ये देखो बॉक्स में आया है। वैसे तो ये ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, पर अपन ने भैया से रिक्वेस्ट करके वीडियो बना रहे हैं, तो ये देख सकते हो अपन बॉक्स खोल रहे हैं और ये अपना फ़ोन निकल चुका है, हाथ पे आ गया है। तो इसकी फ़ोटो लेनी रहती है तो भैया इसकी फ़ोटो लेंगे पहले। तो चलो अपन अब बॉक्स खोलते हैं। बॉक्स पे भाई एक सील लगी हुई है और दोनों तरफ सैमसंग की ओरिजिनल सील है। ये 99 रुपीज़ वाली वाइट सील है। तो भाई अब बॉक्स ओपन होने जा रहा है और यहाँ पे अपन ने मंगाया था ग्रीन कलर का, क्योंकि बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। और अपन इसका पीछे से लुक दिखाते हैं, और इसकी भी फ़ोटो डिलीवरी वाले भैया ले रहे थे क्योंकि उनको दिखाना रहता है। तो बॉक्स को साइड में रखते हैं दोस्तों, और यहाँ पे केबल भी आ चुकी है, तो केबल वगैरह की भी फ़ोटो उनको लेनी रहती है, तो वो भी फ़ोटो ले रहे हैं। और यहाँ पे अपन इसकी यहाँ पे फ्रंट की पन्नी निकाल रहे हैं। ये देखिए क्या लुक आ रही है। अब फ़ोन को बूट करते हैं। बूट होने में थोड़ा सा समय लगता है, फिर सैमसंग का फ़ोन पूरा बूट होने लगता है। फिर इसके बाद मैं सेटअप करता हूँ फ़ोन को, और यहाँ पे बहुत ही प्यारा लग रहा है ग्रीन कलर। तो भाई फ़ोन ओपन हो चुका है, फ़ोन को अब मैं सेटअप करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दी है। यहाँ पे आपसे जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी जाए आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर आपको इसके सेटअप पे दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं उस पर भी एक नया वीडियो ले आऊँगा। सो गाइस, फ़ोन पूरा सेटअप हो गया है। जितने भी अकाउंट वगैरह होते हैं, गूगल अकाउंट, सैमसंग अकाउंट, मैंने सब लॉगिन कर लिए और फ़ोन पूरा सेटअप हो गया। मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐप भी इंस्टॉल कर लिए हैं जो मेरे काम के थे, बाकी तो इसमें बहुत ही कम ऐप्स आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जेमिनी, फ्लिपकार्ट वगैरह मैंने इंस्टॉल किया, योनो, ये सब। तो नो डाउट भाई फ़ोन बहुत ही अच्छा है। तो इसकी बात कर लेते हैं, जैसे ही आप बॉक्स से निकालोगे आपको एक अपडेट आएगा 2.7 GB का, जिसमें गैलेक्सी AI फीचर्स आएंगे। तो उस समय थोड़ा सा फ़ोन आपको हीट लग सकता है, क्योंकि भाई इतना बड़ा अपडेट है और फ़ोन बिल्कुल तुरंत आपने नया चालू किया तो हीट होना ही था। फिर उसके बाद भाई अभी तक तो कोई ऐसी हीटिंग इशू मेरे को दिखा नहीं, और बैटरी भी काफ़ी अच्छी है। तो बैटरी के लिए अपन ने क्या किया, अपन ने इस फ़ोन को चार्ज किया सैमसंग के इस ओरिजिनल चार्जर से, 25 वॉट चार्जर। इसकी भी अनबॉक्सिंग वीडियो अपने चैनल पे आप देख सकते हैं आप। तो ये 25 वॉट चार्जर है, अपन ने इसकी केबल निकाल के यूज़ कर ली, जो केबल आई थी। तो ऐसा आ रहा है 2024 में। तो नो डाउट बहुत ही अच्छा कैमरा है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है भाई, बहुत ही कॉम्पैक्ट, मतलब बहुत ही अच्छा फ़ोन है, S22 जैसा ही है बिल्कुल। बस कैमरे इसमें थोड़े मतलब अलग अलग कर दिए गए हैं, S22 में एक साथ थे। तो इसके कुछ सैंपल्स दिखा देता हूँ आपको कैमरे के, मैंने सुबह लिए थे। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी फ़ोटो आ रही है जूम करने पे भी, और ये देखिए बहुत ही प्यारी फ़ोटो आ रही है। तो नो डाउट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, साउंड क्वालिटी। तो भाई डेफिनेटली आप इसको 40K के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको फ्लिपकार्ट में 38,000 में मिल रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही अच्छे फ़ोन है, ले लीजिए तुरंत। अगर आपको 128 GB लेना है, तो मेरे को कम यूसेज था मेमोरी का तो इसलिए मैंने 128 लिया। तो दोस्तों ये स्टिकर जो लगा है इसको भी निकाल देते हैं, जिससे कि फ़ोन की अच्छी लुक आए। ये देखिए निकल गया ये, अब देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए ग्रीन कलर, लाइट में आपको कहीं कहीं ये सिल्वर टाइप भी दिखेगा लाइटनिंग कंडीशन के हिसाब से, और ग्रीन भी दिखेगा। ये देखिए सिल्वर दिख रहा होगा अभी, बहुत ही प्यारा फ़ोन है दोस्तों। तो दोस्तों बस आज यही बताना था आपको इस वीडियो में कि कैसे सैमसंग की अनबॉक्सिंग और रिव्यू कर रहा मैंने। तो भाई काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।